छोटा खटोला भी छोटी बच्ची। फाइनली हमारी आज की ड्यूटी भी कंप्लीट गाइस एंड यो गाइस आर ऑल्सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हमने यहां से लेके पूरा एंड तक कवर कर दिया, पीछे तक एंड वहां पे कवर कर दिया। शाम को दादा एंड दादी जी यहां तक काट देंगे ना, तब जाके हमारा आधा किला कंप्लीट हो जाएगा। एंड बारिश आ रही है धीरे धीरे करके, बस ड्रामा ही कर रही है। एंड अब की बार हमारी पोस्टिंग यार गलत जगह पे आ गई, हमारे सीओ साहब अच्छे नहीं थे यार, पोस्टिंग खेत में डाल दी। बट कोई बात नहीं, फाइनली भी घर जाने का टाइम हो चुका है गाइस। एंड वापस से बारिश आ गई यार, पता नहीं बारिश हो क्या और थोड़ी थोड़ी देर में आ जाती है, वापस बंद हो जाती है। ड्रामे से कर रही है, फोन अंदर रखवा देती है बस। मेरा झोड़ के आसपास के सारे झुंडे इन्होंने काट लिए, पता नहीं किसने काट लिए यार। आगे जाना ठीक नहीं यहाँ पे, ठीक है। देखियो यार कितना मस्त लग रहा है, पानी लहरें चल रही है। एंड यहाँ पे एक दिन हमें सांप मिला था, ये झोड़ अभी तो थोड़ा कम हो गया, पहले यहाँ तक था ये झोड़। यहाँ मतलब यहाँ पे घास तो उगा हुआ है बट पानी है इसके अंदर, गलती से भी इसके ऊपर पैर टेक देना सीधा बंदा अंदर जाएगा और कम्प्लीटली गहरा वहाँ से। बड़ा प्यारा लग रहा है यार, यहाँ पे बहुत सारे हैं ना एनिमल्स की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, मैंने खुद देखी हुई हैं बड़ी बड़ी। उस साइड भी गया था एक दिन मैं, वहाँ पे भी देखी थी मैंने बहुत सारी। एंड वहाँ तक है ये झोड़, एक क्या प्यारा व्यू है यार। यहाँ पे बीच में एक टापू होना स्वाद आ जाए, बीच में घर बना लो। सो फाइनली चलो वापस चलते हैं। खुल जा शिमशिम, खुल गया खुल गया खुल गया भाई साहब। सारे अंदर अपने अपने रूम में गए, बाहर कोई भी नहीं है। आई एम टू लेट यार, स्कूल में क्यों नहीं गए? मैम मैम, अरे वो मैडम, स्कूल में क्यों नहीं गए? मारते रहते हैं। तो मैं तो मारूंगा, मेरी मर्जी। स्कूल में क्यों नहीं गए ये बताओ? नींद आ रही थी। वाह कमाल है बेटा जी, कमाल। ये है जुगाड़ू सोदा गाइस, इसके अंदर कप है एंड इसके अंदर चाय है। ये जुगाड़ू सोदा हम दे के आ रहे हैं, हमसे थर्मोस नहीं लाएगा घर से, मैं कि जुगाड़ करके ले चलेंगे। अब थर्मोस लाने का मेरे पास टाइम नहीं, हम बिजी पर्सन है ना यार। गाइस लेबर बना के छोड़ रखा है घर पे धूर, और मेरे को तो बिल्कुल लेबर समझ रखा है। हम कहाँ यहाँ पे मस्त था ओरियो शेक बनाने की ट्राई कर रहे थे एंड यहाँ पे लेबर का काम सौंप दिया हमें। पहले हमें ये सारा साफ करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम ट्राई कर सकते हैं। गाइस हमारी क्लास में एक बच्चा था, वो आपने देखा हो? नहीं नहीं, वो व्लॉग्स में नहीं आया, देव नाम है भाई साहब। क्या लड़का था यार, मतलब दूध अलग से लेके आता था, ठंडा पानी आइस क्यूब्स अलग से, और कॉफ़ी पाउडर अलग से, चीनी अलग से, और क्लास में बैठ के मिल्ट मिल्टन वाली बोतल में डाल के सब कुछ कोल्ड कॉफ़ी बना के हिलाते रहते थे बस बात। और अलग से एंड ओरियो शेक बना के लेके आता था, पता है कौन सा पेपर था? शायद हमारा फिजिकल का पेपर था उस दिन, वो ओरियो शेक बना के लेके आया था। हम घर पे ट्राई करके देखेंगे, हमारे पास ओरियो का पैकेट पड़ा है। बट हमारे प्रॉब्लम ये है कि यार हमारा दूध ठंडा नहीं है, लाइट नहीं है, गेहूँ कट रहे हैं ना उस वजह से गांव में लाइट ही नहीं देते, बिकॉज यार आग वगैरह जल्दी लग जाती है तो लाइट ही नहीं देते। इस कारण से फिर हम पानी में ठंडा करके कुछ जुगाड़ पानी करेंगे, पहले इसे साफ करते हैं उसके बाद करेंगे, ठीक है? इज्जत का फालूदा करवा देते हैं भाई साहब। हम कुक बनने की सोच रहे, पर प्रोफेशनल शेकर शेकर कुछ भी हो, तो ये करते हैं पहले। मम्मी जी ने अबे वो लेबर जल्दी जल्दी काम कर, तुम्हारी पगार काट लेंगे हम, काम कर बे। ऊपर देखने की तुम्हें परमिशन नहीं है, ये खटोला है गाइस हमारे। ओ सॉरी सॉरी, लेबर गंदी हो जाएगी। हम सो भाई, मैं सुपरिटेंडेंट लेबर हूँ, आप छोटे लेबर हो। अरे छोड़ो बे लेबर, अरे छोड़ दे छोड़ दे। अरे जा फेंका तू, फेंका जा जा फेंका, छोटा लेबर काम कर रहा है। गाइस दिस वन इज माई खटोला एंड ये तो डेढ़े की दरी है जो आर्मी में मिलती है। हाँ आज तो ओ यार मम्मा हटानी है तो छिया। गाइस ये खटोला है छोटा खाट का, वो तो हमारी पड़दादी के टाइम का, ये मम्मी की शादी में दिया था, ये मेरे लिए दिया था बट मैं आज तक कभी नहीं सोया जब छोटा। वहाँ पे कचरे में डाला, मेरे सिर पे डालेगी? मानती नहीं, लेबर को कुछ करना ही नहीं आता, 500 रुपये दिहाड़ी लेते हैं ये छोटा। इसके नीचे है ना वो भी है, झुंझुनू भी बाधने वाला, देखो मस्त है ये खटोला। अरे वो रख दो यार लेबर, तुम्हारे पैसा कटेंगे, पैसा कटेंगे, पैसा कटेंगे। तुम्हें कुछ आता नहीं है भाई साहब, इसलिए पैसा कटेगा तुम्हारा। नया आया हूं। फिर नया आया है तो चुप रह, क्या कर दे, चुमड़ी उधेड़ दूंगा, चुप रहने का। फाइनली खटोला झड़काने की बारी हमारी आ चुकी है गाइस। इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे करने का, देन यहाँ पे ऐसे मारने का। ओहो छोटा खटोला भी छोटी बच्ची, छोटा खटोला भी छोटी बच्ची। यू नीड अ ओरियो का बिस्किट फॉर दैट, मेरे को पता नहीं था, मैं तो दुकान में लेने चला गया था, देन ध्यान आया मतलब प्रतीक ने बताया कि यहाँ पे। सो फाइनली ये क्या है भाई साहब, यहाँ पे पैसे भी रखे हुए हैं, पैसा ही बहुत है यार अपने पास। तो ये 200 का रोकड़ा बंद कर देते हैं, सिर्फ आधे का ट्राई करके देखेंगे, हमें कुछ गड़बड़ नहीं करनी, गड़बड़ घोटाला नहीं करना यार। प्रॉब्लम पता है क्या है गाइस, यार ये दूध ज़्यादा ठंडा नहीं है, नॉर्मल दूध है, क्या कर सकते हैं, ट्राई तो करके देख लें यार। अब कुछ नहीं, लाइट तो आएगी नहीं, 4-5 दिन ऐसे ही रहेगा। कौन यार लाइट नहीं है सर, लाइट हमको सिखाई रही है क्या? फिर तू हमको सिखाई रही है,
हमको सिखाई रही है, है? आप बाहर जाइए यहाँ से प्लीज, बाहर निकलिए आप, बाहर निकल, हाय बाहर निकल, यहाँ पे दिख नहीं जाएगी। अरे यार वो सीरियस होगी गाइस, मैं तो मजाक कर रहा था इसको। है मौसी जी बताई को नहीं क्या हो गया भाई, आई एम जस्ट किडिंग। मजाक कर रहा था, रो बोलिया, सॉरी मैम सॉरी। अच्छा मैं क्या दूंगा, करते बाहर निकल जाए तो घर से निकल जाए। आप प्लीज अपने हाथों को कंट्रोल में रखे, कोरोना हो रखा है। अरे दूर आप गुस्सा काहे होते हो मैम, मैम गुस्सा काहे होते हो। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, यार मजाक किया था आपके साथ। और यार के बम बनाओ था दूरों में, आज आज वो आपके साथ चलते हैं, आ जाओ आप भी चल पड़ो। अब नहीं मानेगी गाइस, रोने लग गया। One hour later. प्रतीक एंड धुरू की लड़ाई मच चुकी है, धुरू रो रही है। अभी देखियो प्रतीक कह रहा है चुप हो जा, आंसू पूछ ले, बस घर वालों को नहीं पता लगना चाहिए। वो पीछे पीछे हो रखी है एंड ये लड़का यहाँ पे आ गया, इसने उसके मुंह पे मारी खींच के। मुंह देखो लड़की का, मुंह देखो, ये सिनक निकल गया धुरू से। नोजी आ गई, धुरू नोजी, ओह ये लात मार के खोला गेट भी। धुरू नोजी आ गया, आप के रो के रहे हो। दूर क्या कर दिया आपके? गर्म पानी पी पी के है ना, बैंड बज रखी थी ना, मटका निकाल रखा था हमने ना, फ्रिज चल रहा था। फ्रिज में तो वैसे भी हम लोग पानी रखते ही नहीं है, हमेशा मटका ही रखते हैं, तो मटका आज निकाला है। वो ठंडा तो होगा नहीं, कल ठंडा होगा। लाइट भी नहीं थी, कुछ ठंडा था नहीं, गर्म खा के बैंड बज रखी थी। तब लाइट आई तुरंत, जब लाइट आई ना तुरंत मैंने जल्दी से एक कोप अपना पानी फ्रीजर के अंदर रखा, मैं कि 5-10 मिनट के बाद ये थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, मैं थोड़ा चिल करूँगा। फाइनली गाइस अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब थोड़ी ठंडक मिली है, वरना बैंड बज रखी थी, बोला भी नहीं जा रहा था। गति जीव है ना चिपक गई थी बिल्कुल, ऐसे वो हो जाते हैं ना, सूख जाते हैं जिसको बोलते हैं अपन लोग, फिर वो अच्छे से बोला नहीं जाता। तो फाइनली अभी ठीक हुआ है, थोड़ा रिलैक्स हुआ है। ले पी के देखना, जहर थोड़ी है। बिस्कुट क्या है? बिस्कुट खानी, पानी सुसेड़ो, बच गया ठंडा, पानी से ठंडा हो जा दे। वो मटके में पी लो, मटके में पी लो, मेरे लिए छोड़ दियो। अरे रुक जा रुक जा, ऊपर गिर गया, रुक जा छोड़ दे। अब उसको चिढ़ाएंगे, ठीक है चिढ़ाएंगे, आ जाओ उसको चिढ़ाएंगे। मम्मी देख ले कैसे। फाइनली हमारा दूध ठंडा हो चुका है गाइस, हाँ ठंडा हो चुका है, अपना काम जाएगा। चल वो भी निकाल ले, ठंडा पानी भी रखा था हमने थोड़ा सा। आप पियोगे? आप पपाया का पी लेना, तो मिल्क तो पी सकते हो। अच्छा खा लिया कर कि मैं। गाइस इसको नीचे रखते हैं एंड इस लड़के से है ना, ये बर्फ़ नहीं निकल रही इसके अंदर से। अरे मेरे से भी तो निकल रहा पानी, पानी कौन बर्फ से। हाँ चप्पल मार के पाचो ये ओज दी। अरे गड्डी चाहिए उसके लिए हमें। ओरियो का पैकेट खोलते हैं, इसके अंदर डालते हैं, ग्राइंड करते हैं, दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे, बन जाएगा। मुझे तो एमओ खाने, क्या बोलते हैं, क्या करीम, किसकी करीम, इसकी करीम। दूर आप नहीं खा सकते उसमें क्या, नहीं आप ये नहीं खा सकते, आपको दूसरा जूस बना के दे दूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता। इसके अंदर 5 आते हैं, हमने 5 के 5 इसके अंदर डाल दिए, अब ग्राइंड करते हैं। थोड़ा पानी डाले या नहीं कंफ्यूजन है, बट डाल देते हैं। दूध डाले तो झाग बन जाएंगे यार दूध से, तो पानी डाल। अरे पागल हो क्या, पहले इसको करंट नहीं करोगे किसकी करीम निकाल के? वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले बिना पानी कुछ डाले क्रश कर लो पहले, बिना क्रीम तो खा सकते हो शायद आप। हाँ। दूर हो तू, तो क्या करे मैंने बस
फाइनली डन। इसके अंदर थोड़ा दूध और मीठा और डालना पड़ेगा आई थिंक, थोड़ा टेस्ट करके देख लेता हूँ मैं। एक नंबर की चीज है गाइस ये तो। फालतू को पास नहीं दे, हमको काम करनी थी बता दिया। मम्मी आ गई तो तू काम कर, काजू दे देगी तेरी। भाग जा भाग जा। एक पैकेट बिस्किट में ना सिर्फ एक ही गिलास बनाई हो, हमने दो गिलास बना दिए, बट अच्छा है कोई बात नहीं, थोड़ा टेस्ट में एक और मिला ले। हां और के जो दिन क्यों कॉम्प्रोमाइज करा है कॉम्प्रोमाइज? अरे यार कि क्या मैं फूड तो हूं ही बचपन से। इसमें ना शायद और मिलाना पड़ेगा, पी के देखना। सूंघ मत यार, हर चीज सूंघने लग जाता है बड़ा। मैंने इसमें गौमूत्र मिला रखा है, टेस्टी है ना, टेस्टी है। के बोलो काल की डाली आता ना करवा दी, सारों को डोनी पी जाओ, मेरे तो बता दिया। एक काम कर, इसमें थोड़ा और बिस्किट डालना, मस्त बनाओ या बिस्किट पैकेट ले गया। केक कौन लेवा है? अच्छा केड़ा, इससे हम केड़ा मिक्स करके दूँ। फालतू बकवास नहीं या कोई बात को नहीं, जा तेरा बना ले, रोज को काम हो गए हो, बनाए पाछ नहीं हो गया कौन पीऊँ। अच्छा दुरू पिटा गये हो यार गाइस, रोज के ड्रामे हो गए, इतना बढ़िया बढ़िया जूस बना के देता हूँ, नखरे करता है, पहले बोलता है मैं पक्का पी लूंगा, बनाने के बाद बोलता है मैं नहीं पीऊंगा। यार इतना टेस्टी तो है, पी ले तू एक गड़ी। अच्छा एक गड़ी पी लूं मैं? एक गड़ी तुझे एक गिलास से हो बड़की देख ले जाए, लात मारू इनका ना, चुपचाप पी ले। यार इसकी आता ना करे मोर ना, पीनू पड़ा गई मेरे पास की गोली। दोस्तों तो गाइस ये रोज रोज के ड्रामे हो गए इसके, तो कितना मस्त बने हैं। वाह तू पी ले तो। अच्छा पूरा गिलास भर लियो, पूरा गिलास भर एक बार, पूरा भर ले। फिर भी एक गिलास रह गया, वो पीना पड़ेगा तेरे को, बात कर लूंगा। शांत वो छोड़ दियो बेबी, बार बार बढ़ जाए। यार तू हर चीज को सूंघा मत कर, एक तो अच्छे से टेस्ट करके देख कितना टेस्टी है। यार मेरा सामान इस छोटे से बैग में आ जाएगा क्या? बट क्या करें यार, इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज और बैग है ना काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। बट कोई नहीं, इसी में एडजस्ट करने की ट्राई करेंगे, थोड़ा सामान कम ले जाएंगे, बच्चों वगैरह का कर लेंगे अरेंजमेंट। ये बैग काफ़ी ज़्यादा अगली लगता है, भुंडा लगता है, ये बैग बड़ा मस्त, इसीलिए मैं थोड़ा सामान कम कर लूँगा, बट बैग यही रखूँगा। अभी तक तो मैंने पैकिंग भी नहीं किया गाइस, मैं कि पहले एडिटिंग कंप्लीट कर लेता हूँ। नाउ एडिटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, बट मैं कपड़े लेके कौन से जाऊँ, पहनूँ क्या, शूज़ भी नहीं है मेरे पास। यार गर्ल्स आपसे मैं पक्का रिलेट करता हूँ, बिकॉज मेरे पास भी कपड़े नहीं है, अपन दोनों लोग सेम कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ये मेरे कपड़े एंड कोइंसिडेंसली ये भी मेरे ही कपड़े हैं भाई साहब। रे देखो इतने सारे कपड़े, नीचे भी आई थिंक मेरा ही मिलेगा, इन सब में से एक भी ढंग का पहनने वाला नहीं है। अब काम तो मेरे को इसी लोवर से चलाना पड़ेगा। यार एक टी शर्ट है, अबे यार कपड़े नहीं है साला, ये दुख का कदम नहीं होता बे। एंड बस एक जोड़ी शूज़ है, वो भी जॉर्डन की कॉपी मार रखी, 11,000 वाले जूते 1100 में लेके आ रखा हूँ। ये दूसरे छपरियों वाले जूते हैं, ये भी धो नहीं रखे मैंने, बट अब क्या करें यार। सर कल का साथ दे दोगे ना? अरे आप बहुत अच्छे बच्चे हो यार, आप बहुत अच्छे हो, सच में बहुत अच्छे हो, इसको थोड़ा पटाना पड़ता है ना। मेरी अलमीरा भरी पड़ी कपड़ों की, बट मेरे पास कोई कपड़े नहीं है पहनने के लिए, बिकॉज टुमारो आई एम जस्ट गोइंग। मैंने आपको नहीं बताया था पहले भी कभी, मैंने जिक्र ही नहीं किया इस चीज़ का, बट अभी बता देता हूँ, सारी बात नहीं बताऊँगा, बस इतना बताऊँगा कल सुबह मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए, देन दिल्ली के बाद रात को चलेंगे हिमाचल, बस इतना काफ़ी है। आप लोगों की इतना काफ़ी है, सारी बातें नहीं बताते हैं, कुछ पर्सनल भी रखनी चाहिए। मैं अपने पर्सनल काम से जा रहा हूँ किसी के पास, सबको थोड़ी बताते हैं कहीं पर जा रहे हैं अपन लोग। आई एम जस्ट किडिंग गाइस, वी आर जस्ट लीविंग, कुछ काम है, आप लोग देख लेना वहाँ पर, थोड़ा देख लेना आप, मैं कुछ नहीं बता रहा, बस इतना बता रहा हूँ कल सुबह 6 बजे की बस पकड़ के दिल्ली के बाद शाम को दिल्ली से शायद हिमाचल, बस इतना बता रहा हूँ आपको। मेरे को भी इतना ही पता है, मतलब मेरे को तो सारा पता, आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ। अभी पैकिंग वगैरह करता हूँ यार, सिर्फ एक जींस है, मुँह उठा के इसी को पहन के चल पड़ता हूँ, ये भी धोई नहीं रखी, बट कोई बात नहीं, चलो वैसे तो मेरे को ये कपड़े ज़्यादा पसंद है, ये लेके जाने थे मेरे को, बट अब क्या करें, ये टी शर्ट है ये भी गंदी है यार, भाई साहब कपड़े नहीं है यार,
भाई ये भी गंदी कर दी जो जो उसके चक्कर में। सबसे पहले मैं एक बार ये पैकिंग वगैरह कंप्लीट कर लूँ गाइस, कर लूँ। बाय बाय, चलिए इस लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा सस्पेंस बनाना जरूरी होता है, मैं अपनी पैकिंग वगैरह कर लेता हूँ। कल सुबह सुबह 5:30 बजे जब दू मेरे को छोड़ेंगे, बिकॉज 6 बजे बस आ जाएगी। एंड आई डोंट वॉन्ट कि मैं हमेशा की तरह लेट हूँ, बिकॉज आज लिखतर वगैरह तो पड़ेंगे नहीं, बट लिखतर उनसे भी कुछ ज़्यादा भयंकर काम हो जाएगा। सो इस लोग को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए। कोई सेंस है इस बात की? चैनल भी नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट लुक। टिल देन बाय बाय।